फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया डोरमेट का डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का डिजाइन बनाएंगे। आप इसको डोरमेट के जगह यूज कर सकते हैं, आज इसको पूजा आसन की जगह यूज कर सकते हैं। और मैं इसको वूल में बनाऊंगी। अगर आप इसको वूल में बुनना चाहते हैं तो 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको, ये मेरी पतली वूल है, मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। अगर आपकी वूल मोटी है तो आप सिंगल बुन लीजिए, पतली है तो इसी तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। और आप इसको पुरानी चुन्नी या साड़ी वगैरह से बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 6 नंबर की 8 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाएंगे फ्लावर डालते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो इस तरह से हम ये नोट लगाएंगे, नोट लगा के ऐसे फंदा बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से लेंगे, इस तरह से डालेंगे, 2, 3, 4, इसी तरह से आप यहाँ पे 20 फंदे डाल लीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं, 20 फंदे मैंने डाले हैं। तो देखिए, फंदे मैंने डाल लिए हैं और ये फंदे हम जोड़े के हिसाब से डालेंगे। जैसे ये मैंने 20 फंदे डाले हैं, अगर आप इसको 20 फंदों में बुनना चाहते हैं तो 20 फंदे ऐसे जोड़े के हिसाब से डाल लीजिएगा। आप 40 फंदों का बुनना चाहते हैं, 60 फंदों का बुनना चाहते हैं, जितने भी फंदों का बुनना चाहें आप इसमें जोड़े के हिसाब से फंदे डालिए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। जैसे बची खुची वूल बच जाती है तो उसमें बहुत ही प्यारा सा कलरफुल फूलों वाला डिजाइन डालते हुए ये डोरमेट हम बनाएंगे। तो यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो सेकंड कलर मैं यहाँ पे ये रेड वाला लगाऊंगी। यहाँ से हम देखिए, इस धागे को इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर से ऐसे घुमाएंगे, फंदा बढ़ाएंगे और इसको बुन लेंगे, 2, इसको टाइट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया। इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और आगे बुनते जाएंगे, इसको फिर से दबा लेंगे। लास्ट तक हम यहां स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ा के और लास्ट तक बुनेंगे। लास्ट के सिर्फ 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। बहुत ही आसान डिजाइन बनाएंगे। ये मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू किया है ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहां से ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। तो अब फिर देखिए, अब फिर हम अपना वाइट धागा लेंगे और फिर से फंदा बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ही घुमाएंगे सिलाई के ऊपर से और इस तरह से बुनेंगे। 2-2 सिलाइयाँ हमारी बनती जाएंगी एक कलर की, और डिजाइन बहुत ही सुंदर फूलों वाला डिजाइन इसके अंदर बन के आएगा। बिल्कुल ही नए डिजाइन में ये डोरमेट बनाएंगे, जो आपको देखते ही ये पसंद आएगा। तो यहाँ तक ये अब ये 2 फंदे छोड़े थे, अब की बार ये 2 फंदे छोड़ देंगे। हर बार एक फंदा स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे, लास्ट में 2 फंदे छोड़ेंगे। तो ये 2 फंदे छोड़ दिए, अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ से ऐसे ही बुन लेंगे। तो इस पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे। सीधी तरफ से हमने कोई डिजाइन नहीं डालना होता, उल्टी तरफ से यानी रॉन्ग साइड से हम डिजाइन को बुनते जाएंगे।
तो इस तरह से बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब फिर देखिए यहाँ से फिर से फंदा बढ़ाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर फंदा बढ़ा लेंगे, फिर आगे के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। तो देखिए पहले ये दो फंदे छोड़े थे, फिर ये छोड़े, अब की बार ये वाले दो फंदे छोड़ देंगे। स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट में दो फंदे छोड़ते जाएंगे। तो ये फंदे अब छोड़ेंगे यहाँ से, अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो अब देखिए फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए एक फंदा हमने यहाँ इस स्टार्टिंग में रेड से बढ़ाया, फिर एक वाइट से बढ़ाया, एक रेड से, तो तीन फंदे हमने बढ़ा लिए। अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे तो टोटल पांच फंदे बढ़ाएंगे, तब तक हम यहाँ से छोड़ते आएंगे। तो दो चार छः, अब एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर दो छोड़ेंगे, फिर एक बढ़ाएंगे, दो छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे छूट जाएंगे। जब आप इसको 20 फंदों का बनाएंगे तो 10 फंदे छोड़ेंगे, जब आप 40 फंदों का बनाएंगे तो यहाँ पे 20 फंदे छोड़ेंगे। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फंदे कम ज़्यादा डलते हैं। तो यहाँ से फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, तीन चार, ऐसे ही बुनते हुए हम इसको बना लेंगे। अब की बार ये दो फंदे छोड़ेंगे, अब यहीं से ही टर्न करेंगे उल्टी तरफ से, फिर ये सभी फंदे ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए एक सिलाई में फंदा बढ़ाया, दूसरी तीसरी चौथी चार सिलाई में, अब की बार हम लास्ट वाला फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से इसको घुमाएंगे, फिर से बना लेंगे। तो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ये दो फंदे फिर छोड़ देंगे। तो देखिए 10 फंदे तो हमने दो दो करते हुए, दो चार छः आठ दस, 10 फंदे हमने छोड़ दिए और एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदे हमने बढ़ा लिए, बीच में ये 10 फंदे हैं। तो अब देखिए यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कली, इतनी हमारी हाफ कली बन गई, पांच फंदे हमने बढ़ाए हैं। अब हम आगे जैसे ये 10 फंदे हमने एक फंदा बढ़ाते हुए छोड़े हैं, ऐसे ही हम दो दो करते हुए छोड़ते जाएंगे और यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बुनेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार
पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और तेरह। ये दो फंदे अब ऐसे ही छोड़ देंगे बगैर बुने। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। हाफ कली बनी तब तक हमने ये पांच फंदे बढ़ाए थे। अब हम बगैर फंदा बढ़ाए हुए यहाँ से दो फंदे फिर छोड़ेंगे। अब फिर से बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ग्यारह। ये दो फंदे अब बगैर बुने छोड़ेंगे। अब फिर आएंगे सीधी तरफ, यहाँ से फिर सभी फंदों को ऐसे ही बुनेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने कलर चेंज करना था, हमने इसी से बुन दिया। बगैर फंदा बढ़ाए हुए ऐसे ही बुनेंगे और फिर दो फंदे छोड़ेंगे। अब ये दो फंदे छोड़ेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, सीधी तरफ से ऐसे ही बुन लेंगे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। अब फिर देखिए ऐसे ही बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, ये दो फंदे छोड़ दिए। बहुत ही आसान डिजाइन है, जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इसको आराम से बना लेंगे। कितना भी बड़ा बनाइए, कितना भी छोटा बनाइए, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब फिर से रेड कलर लगाएंगे, ऐसे ही दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। यहाँ पर जब हमारे पांच फंदे बच जाएंगे तब तक हम बुनेंगे, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब ये दो फंदे छोड़ देंगे बगैर बुने, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ, फिर से वाइट कलर लगाएंगे। दो दो सिलाइयाँ एक के कलर की बनती जाएंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब ये दो फंदे छोड़ेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये हमने 20 फंदे दो दो करते हुए छोड़ दिए हैं। यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाया, पांच फंदे बढ़ाए तो 10 फंदे छूटे थे, फिर बगैर फंदा बढ़ाए 10 फंदे फिर छोड़ दिए। ये जो आगे हैं हाइट वाले फंदे, ये हमारे बढ़े हुए फंदे हैं। अब हमारी हाफ कली बन गई है। अब हाफ कली को देखिए किस तरह से बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसको बुना है। तो ये पहले हम पांच फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। ये यहां से पांच फंदे रहने पर इस पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बना लेंगे।
तो अब ये पूरी सिलाई को हम इस रेड कलर से ही बुन लेंगे। लास्ट तक इसको बना लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, तो इस तरह से एक कली बन जाएगी। अब इसको पूरी को यहाँ तक बुन लेंगे। तो देखिए हाफ कली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने ये हाफ बनाई थी ऐसे ही आगे की हाफ बुनेंगे। तो ये यहाँ पर हमने बगैर फंदा बढ़ाए हुए ये हाफ कली बनाई है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये लेंगे और स्टार्टिंग में अब हाफ कली बनने के बाद जब कलर चेंज करेंगे तो 5 फंदे ही बुनेंगे। 3, 4, 5। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे ऐसे, और ये 5 फंदे फिर से बना लेंगे। तो डिजाइन बिल्कुल बराबर बनता जाएगा इस तरह से। अब आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे बुनेंगे। ये 5 फंदे बुनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 फंदे आगे से ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ से वापस मुड़ेंगे और ये फंदे ऐसे ही बना लेंगे। जैसे हमने बगैर फंदा बढ़ाए हुए 10 फंदे छोड़े थे ऐसे ही अब ये बगैर फंदा बढ़ाए हुए 10 फंदे ऐड कर लेंगे। तो अब फिर देखिए, अब फिर वाइट कलर लगाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐड किए हुए, 6, 7 अब 2 फंदे आगे से ऐड कर लेंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो 2 बार हमने फंदे ऐड कर लिए हैं, 2-2 फंदे। इसी तरह से ऐड करते हुए इसके हम 10 फंदे टोटल ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से रेड लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 4 फंदे ऐड कर रखे हैं, 2 फंदे और करेंगे। तो यहाँ पे ये आगे के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। अब की बार ये 2 ऐड करेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, यहाँ से सभी फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ, फिर से ऐसे ही बनाएंगे, फिर 2 फंदे आगे से ऐड करेंगे। यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे तब तक जब तक हम 10 फंदे ऐड नहीं कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहीं से ही अब 2 फंदे हम आगे से ऐड करेंगे, 12, 13। यहाँ से फिर ऐसे ही बना लेंगे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ, अब फिर से ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए एक कलर चेंज करेंगे यहाँ पर, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे ये हमारे स्टार्टिंग के थे और ये फंदे हमने ऐड किए हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4,
पाँच छ सात आठ, दो फंदे और ऐड करेंगे, नौ और दस। अब देखिए हमारे यहाँ पर टोटल 15 फंदे बन गए हैं, पांच बड़े हुए 10 ऐड किए हुए। अब यहाँ से ऐसे ही बना लेंगे, स्टार्टिंग से ही मैंने बनाना शुरू किया है ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी कली को मैं ऐसे ही बना के दिखाऊंगी ताकि आप आसानी से इसको फिर बुन सकेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए आगे के ये जो 10 फंदे हैं ये बगैर बुने, दो चार छ आठ दस। अब देखिए इन फंदों को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से एक फंदा घटाएंगे और यहाँ से दो फंदे ऐड करेंगे, यहाँ से एक घटाएंगे, यहाँ से एक ऐड करेंगे। जो फंदे हमने स्टार्टिंग में पांच फंदे यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं अब उनको घटाएंगे। तो देखिए दो का एक करेंगे, दो का एक किया, अब आगे के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने एक फंदा घटाया और ये आगे के बुने। अब ये जो 10 फंदे हैं इसमें से दो फंदे ऐड कर लेंगे, एक दो, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे। अब फिर से दो का एक करेंगे, लास्ट तक बुनेंगे यहाँ तक और फिर ये दो फंदे ऐड कर लेंगे। ऐसे ही ऐड करते हुए यहाँ से घटाते जाएंगे, यहाँ से ऐड करते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास फिर से वही 20 फंदे बच जाएंगे। अब ये दो फंदे ऐड करेंगे, अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से सेंटर में फ्लावर डलते जाएंगे छोटे छोटे और कली इस तरह से डिजाइन में बन जाएगी। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बनेगा, ऐसा डिजाइन आपने अभी तक बुना नहीं होगा, नया डिजाइन है बिल्कुल। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ, फिर से देखिए यहाँ से फिर से दो का एक करेंगे। जो पांच फंदे हमने स्टार्टिंग में बढ़ाए थे उन्हीं पांच फंदों को हम यहाँ पर घटाएंगे, हर सिलाई में एक फंदा घटाते जाएंगे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ, तो अब देखिए फिर से दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अब की बार ये लास्ट वाले दो फंदे ऐड करेंगे, उन्नीस और बीस। अब देखिए इस तरह से कली बन गई। अब यहाँ से पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे, तो
तो अब देखिए ये कली हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 पांच फ्लावर इसके सेंटर में आए हैं और इस तरह से बहुत ही डिजाइनर ये बन के आई है। अब जब हम सेकंड कली स्टार्ट करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। अब ये दो कली मैंने वाइट और रेड की बुनी है और दो कली अब मैं ये ब्लू और ये पिंक में बनाऊंगी। तो यहाँ से अब मैं पिंक ये ब्लू कलर लगाऊंगी। तो ब्लू कलर लगा के और दोनों तरफ से सभी फंदे बुन लेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे और यहाँ से भी पूरी सिलाई बुनेंगे लास्ट तक 20 फंदे और सीधी तरफ से भी पूरी सिलाई बुन लेंगे। तो देखिए सेकंड कलर लगा के मैंने दोनों तरफ से एक एक सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुन ली। अब सेम वही डिजाइन आ गया जो हमारा स्टार्टिंग में था। ये फंदे हमने डाल लिए तो अब काउंट कीजिए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 फंदे हैं। अब फिर जब हम सेकंड कलर लगाएंगे तो फिर से वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे रखेंगे ऐसे फंदा बढ़ाएंगे सेम जैसे स्टार्टिंग की थी वैसे ही अब हमारी ये बन जाएंगी। लास्ट तक बुनेंगे लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे। ये दो फंदे छोड़ेंगे सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ से शुरू की थी स्टार्टिंग से ऐसे ही अब ये बननी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में ये दो फंदे छोड़ेंगे यहीं से ही वापस मुड़ेंगे इस तरह से। अब यहाँ से बनाएंगे ऐसे ही बनाते हुए हम इसको करेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक बनने के बाद किस तरह से आएगी। तो देखिए बनने के बाद इसकी फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। 6 कलियाँ बनी हैं, 2 कली मैंने एक डिजाइन की बनाई है एक कलर से, 2 एक कलर से, 2 एक कलर से, ऐसे बुनते हुए 6 कलियों में ये इस तरह से बन के कम्प्लीट हुआ है। और इसकी सिलाई का भी आपको देखिएगा कहीं से भी पता नहीं चलेगा जैसे आपने यहाँ से स्टार्टिंग की थी ऐसे बुनने की और बुनते गए ऐसे बुनते बुनते आएंगे तो लास्ट में ऐसे ही कम्प्लीट हो जाएगी। पहले ये कली बुनी ऐसे बुनते हुए और यहाँ पे आके मैंने इसकी सिलाई की है। सिलाई का पता भी नहीं चलेगा आपने इसकी सिलाई कैसे की है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डोरमैट, पूजा आसन, टेबल मैट और मेरा ये डिजाइन आपको कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।